बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश पीएस। आज के इस क्लास में आप एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं, जो स्पोकन इंग्लिश के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास एक कार था, उसके पास मोबाइल था, तुम्हारे पास किताब था, हमारे पास पैसा था। माई डियर, वो वॉज, ऐसे सेंटेंसेस हम अपने डेली लाइफ में ज़रूर या ख़ुद बोलते हैं या दूसरों से सुनते हैं। ऐसे फ़िक्रों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है, इसको सीखने के बाद आप भी ऐसे फ़िक्र बआसानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे। स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थिंग, यानी जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थिंग, हेड सारे सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। फार्मूले यानी स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक किताब था, मेरे पास एक किताब था, आई हैड अ बुक, आई हैड अ बुक। उसके पास एक कार था, उसके पास एक कार था, ही हैड अ कार, ही हैड अ कार। तुम्हारे पास एक मोबाइल था, तुम्हारे पास एक मोबाइल था, यू हैड अ मोबाइल, यू हैड अ मोबाइल। हमारे पास पैसा था, वी हैड मनी, वी हैड मनी। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।